गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आदर्श शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर आदर्श होम्योपैथी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और जो जिससे हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति को कभी ना कभी जरूर हुआ है, और वो है सरदर्द, हेडेक, माइग्रेन या जिसे हम लोकल लैंग्वेज में आधी सीसी का दर्द भी कहते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिकली अगर हम मेडिसिन यूज करें तो सरदर्द की प्रॉब्लम से हम आसानी से निजात पा सकते हैं, और ये देखा गया है कि लगभग हर व्यक्ति को कभी ना कभी जरूर सरदर्द हुआ है और वो उसके लिए जनरल मेडिसिन, पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनिक या नेफ्रा इत्यादि यूज करता रहता है, और इसका न तो उसे उसे थोड़ी देर के लिए आराम लगता है और न तो परमानेंट क्योर नहीं मिल पाता, और व्यक्ति इसलिए जीवन भर सरदर्द से परेशान होता रहता है। और मैं आपको आज बता दूं कि होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जिससे हम सरदर्द को, हेडेक को, आपके माइग्रेन को आसानी से जीवन भर के लिए खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या है सरदर्द और ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमारे सरदर्द में मदद कर सकती है। दोस्तों, सरदर्द कोई स्पेशल बीमारी नहीं है, स्पेसिफिक डिसीज नहीं है, ये दूसरी बीमारियों का एक लक्षण हो सकता है। जैसे अगर आपको बुखार है तो उसके साथ आपको सरदर्द देखने को मिल सकता है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो आपको सरदर्द देखने को मिल सकता है, आपको कोई तनाव है, मानसिक टेंशन है, बेचैनी है तो आपको सरदर्द हो सकता है, अगर आप बहुत अधिक वर्क करते हैं, नींद नहीं हो पाती तो आपको सरदर्द हो सकता है, या आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है या गैस्ट्रिक डिअरेंजमेंट है तो आपको पेट दर्द सरदर्द हो सकता है। अब होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, अगर हम इसे जड़ से खत्म करना चाहें तो इसे सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देनी होती है, ताकि पूरा व्यक्ति को, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए हमें पूरे व्यक्ति को देखना पड़ता है, उसके खान पान को देखना पड़ता है, उसके फिजिकल्स को देखना पड़ता है, उसकी भूख प्यास और उसके जो सारे सिम्टम्स हैं, उसकी नींद कैसी है, ड्रीम कैसा है देखकर, और उसकी मानसिक स्थिति को देखकर, साथ ही साथ उसकी शारीरिक बनावट को, शारीरिक स्थिति को देखकर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग सेलेक्ट करके देते हैं, जिसके दो या तीन डोज से ही हम ये क्लेम कर सकते हैं कि सरदर्द पूरी तरह जा चुका है। पर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज हैं जिसे हम सिम्टोमेटिकली यूज कर सकते हैं, और जिसके अगर हम यूज करें तो हमें पैरासिटामोल या ऐसी जो ड्रग जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं वो हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी मदद कर सकती हैं। तो जनरली देखा गया है सबसे ज्यादा पेशेंट्स आते हैं और सरदर्द बहुत ज्यादा होता है, वो बताते हैं कि थ्रॉम्बिंग हेडेक होता है, ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ धधक रहा है, इस तरह का पेन हो रहा है, साथ ही साथ पूरा फेस लाल हो जाता है, ऐसा लगता है कि आंखें बाहर आ जाती है। पेशेंट बताते हैं कि सर ऐसा लग रहा है आंखें पूरी बाहर आ जाएगी, और अगर मैं बांधूंगा, अगर सर मैं बांध लूं तो ही मुझे आराम लगता है, मैं लेट जाता हूं तो ही मुझे आराम लगता है। ऐसी कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं बेलाडोना, एक होम्योपैथिक मेडिसिन को। बेलाडोना को हाई पोटेंसी में देना होता है, 1 ml/10 ml का फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, अगर दो या तीन डोज दें हम एक एक घंटे से, दो दो घंटे से, तो इस तरह का जो दर्द होता है, थ्रॉम्बिंग हेडेक, उसमें हम राहत पा सकते हैं। दोस्तों, दूसरे पेशेंट्स आते हैं कि सर मुझे केवल राइट साइडेड पेन होता है, केवल मेरा जो आधा दर्द है, आधी सीसी का जो दर्द हम जिसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं माइग्रेन का दर्द है, केवल आधा सरदर्द होता है राइट साइडेड, पीछे से चालू होता है राइट साइडेड और आगे राइट आई के ऊपर आके शिफ्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम दे सकते हैं सैंगोनेरिया कैनेडियंसिस। सैंगोनेरिया एक रेमेडी है जो राइट साइडेड पेन को कम करती है, और पेशेंट्स जनरली ये भी बताते हैं कि सर ये मुझे दर्द हर 5 या 7 या 10 दिनों में आना ही है, जिससे उसे पता ही है कि मेरा आज हुआ है तो अब मुझे अगले सोमवार या अगले मंगलवार पेन होगा ही। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे सैंगोनेरिया कैनेडियंसिस, 200 ml/1 ml का एक डोज दें, या फ्रीक्वेंट रिपीटेशन देना है तो 0/1 0/2 एलएम पोटेंशियल क्योर शिफ्ट होकर आप इसे रिपीटेशन भी कर सकते हैं, तो 1 या 2 हफ्ते में इस तरह का राइट साइडेड जो हेडेक है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी तरह लेफ्ट साइडेड पेन के पेशेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि सर पीछे से चालू हुआ है और लेफ्ट आई के ऊपर शिफ्ट हो गया है हमारा पेन। ऐसी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं स्पाइजीलिया को। स्पाइजीलिया एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव रेमेडी है, साथ ही साथ पेशेंट्स हमें ये बताते हैं कि सर ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत टाइट हमें सर्द में बांध दिया है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी ने से बहुत टाइट बांध दिया है लेफ्ट साइडेड में, और बहुत अधिक पेन हमें लेफ्ट साइडेड हो रहा है आंख के ऊपर और पीछे तक। ऐसी कंडीशन में हम स्पाइजीलिया को या तो 1 या 2 डोज देना है तो एलएम सीएम पोटेंसी की ओर जाएंगे 200 या 1 ml की तरफ, और फ्रीक्वेंट रिपीटेशन देना है तो 30 पोटेंसी दे सकते हैं, या 0/1 0/2 पोटेंसी में हम उसे फ्रीक्वेंट दे सकते हैं 15 दिनों के अंदर, इस तरह का पेन आप बंद कर सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरी कंडीशन हमारे पास आते हैं जो पेशेंट्स हम देखते हैं, वो बताते हैं कि सर हमें साइनस की प्रॉब्लम थी, हमें सर्दी खांसी बहुत ज्यादा होती है, छींकें आती है और आंख में से आंसू निकलने लगते हैं, और इसके साथ साथ
हमें ऐसा लगता है छोटे छोटे हथौड़े कोई मार रहा है और सर्दी के साथ सरदर्द मुझे बहुत ज्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो जनरली ये पेशेंट नेटरम्यूर का ही होता है और उसकी मानसिक स्थिति नेटरम्यूर से बहुत ज्यादा, ऐसे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, आपकी रेमेडी दूसरी भी हो सकती है पर जनरली नेटरम्यूर हम यूज करते हैं ऐसी कंडीशन में और इफेक्ट बहुत अधिक देखने को मिला है। इसके अलावा साइनस के साथ प्रॉब्लम है तो आप कैलीबीच को यूज कर सकते हैं। फ्रंटल हेडेक अगर साइनस की प्रॉब्लम के साथ है, चेहरे पर यहाँ दर्द होता है यहाँ दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में हम कैलीबीच को 38-100 पोटेंसी में दे सकते हैं। इसके साथ एक रेयर रेमेडी भी होती है जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, वो है साइकोटिक्को। साइकोटिक्को को हम 1 mm/10 mm पोटेंसी में एक डोज दें और महीने भर बाद इसका एक और दूसरा डोज दें तो साइनस के साथ जो हमें सरदर्द हो रहा है वो उसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अब चौथी कंडीशन आती है पेट की प्रॉब्लम के कारण सरदर्द होना। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा गैस बहुत अधिक बनती है या कॉन्स्टिपेशन बहुत अधिक रहता है, पेट में प्रॉब्लम रहती है और जब पेट की प्रॉब्लम होती है तभी मेरा सरदर्द होता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, बहुत अधिक हार्ड स्टूल होता है, आपकी पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन शरीर पूरा ड्राई है, लिप्स आपके ड्राई है, माउथ ड्राई है और ऐसी कंडीशन में सरदर्द होता है तो हम यूज कर सकते हैं ब्रायनिया को। और जो ड्राइनेस के साथ कॉन्स्टिपेशन के साथ जो सरदर्द है वो हम ब्रायनिया से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, आपको बहुत अधिक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बचपन से चला आ रहा है तो हम यूज कर सकते हैं नक्सवोमिका को। आपका सरदर्द हल्का हल्का बना रहता है, भारीपन बना ही रहता है तो हम नक्सवोमिका के डोज से आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आयरिस वर्सिकुलर भी एक गैस्ट्रिक डीअरेंजमेंट के साथ साथ जलन, हार्टबर्न जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है, वोमिटिंग होती हो और सरदर्द होता हो तो ऐसी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं आयरिस वर्सिकुलर को 30-200 पोटेंसी में आसानी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब चौथी कंडीशन आती है दोस्तों, पेशेंट्स बोलते हैं कि सर हमें गर्मी के कारण जो धूप में अगर हम जाए तो हमें सरदर्द होने लगता है, साथ ही साथ गर्मी की कंडीशन में हमें सरदर्द होने लगता है और बुखार के साथ साथ सरदर्द होता है तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी आपकी मदद कर सकती है। अगर आपको आप धूप में जाते हैं, थोड़ा सा भी घर से बाहर निकले और आपका सरदर्द चालू हो जाता है, दोपहर में आपका सरदर्द बहुत अधिक पड़ जाता है, साथ ही साथ आपको कमजोरी बहुत अधिक लग जाती है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है और आपका सरदर्द हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं ग्लोनाइनम को। ग्लोनाइन को 30-200 पोटेंसी में हमें देना होता है और आसानी से देखते हैं कि एक या दो हफ्ते में इस तरह का सरदर्द कंट्रोल हो जाता है। अब पेशेंट को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, कमजोरी भी बहुत अधिक महसूस होती है, कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं गर्मी के कारण या लू लग जाती है, बुखार आ जाता है, इसके साथ साथ आपका सरदर्द हो रहा है तो हम यूज कर सकते हैं जलशिमियम को। जलशिमियम को 200-1 mm पोटेंसी दे सकते हैं और इसे हम यूज करें इस तरह की कंडीशन में, गर्मी की कंडीशन में तो इस तरह का सरदर्द हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अब अगली कंडीशन है मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है पेशेंट को, साथ ही साथ उसे नींद नहीं आ रही है तो हम यूज कर सकते हैं कैलीफॉस को। कैलीफॉस को 3x-6x पोटेंसी में थोड़ा लंबे समय के लिए यूज करना पड़ता है और जो उसे नींद भी अच्छी आने लगती है और सरदर्द भी उसका कंट्रोल हो जाता है। अब अगली कंडीशन दोस्तों आती है कि स्टूडेंट है या व्यक्ति आजकल की लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है और मानसिक वर्क बहुत ज्यादा करता है, कंप्यूटर पर बहुत अधिक वर्क करता है और उसका सरदर्द बना रहता है और सब बांधने से उसे थोड़ा आराम लग जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं पिक्रिक एसिड को। पिक्रिक एसिड एक ऐसी रेमेडी है, थोड़ी रेयर रेमेडी है, बहुत कम लोग यूज करते हैं पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। मानसिक तनाव के कारण, मेंटल या फिजिकल थोड़ा सा ही मूवमेंट के कारण आपको सरदर्द हो रहा है तो पिक्रिक एसिड को यूज कर सकते हैं 1 mm पोटेंसी में केवल एक डोज और ये देखते हैं कि ये सरदर्द आपका गायब हो चुका है। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन भी आती है अगर आपको चोट लगी हुई है, तो कभी ब्रेन में कोई चोट के कारण, गिरने के कारण, इंजरी के कारण सरदर्द हो रहा है तो हम यूज कर सकते हैं अर्निका को। अर्निका को हमें वही एक पोटे या दो डोज देना होता है और साथ में हमें सिम्टोमेटिक कोई ड्रग यूज कर सकते हैं तो इस तरह की कंडीशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों सरदर्द के बहुत सारे कंडीशंस और बहुत सारी मेडिसिन जो हम अलग अलग कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों एक बहुत ही एक यूजफुल टिप आपके लिए है जो बहुत कम लोग यूज कर सकते हैं और मैंने जैसे जनरली मैं कॉम्बिनेशन जो दो मेडिसिन को मिलाकर मेडिसिन अगर आप दे रहे हैं तो मैं यूज नहीं करता हूं और करना भी नहीं चाहिए, पर कुछ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो हमारे मास्टर्स ने हमें दिए हैं जो होम्योपैथी में बहुत अधिक जिन लोगों का नाम है उन लोगों ने हमें दिए हैं और मैंने उन्हें भी यूज करते हुए देखा है और मैंने खुद यूज करके इसके रिजल्ट्स लिए हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का सरदर्द है, आपको कोई रेमेडी नहीं मिल रही है तो आप यूज कर सकते हैं कार्बोलिक एसिड 200 के साथ में बेलाडोना 3C।
बेलाडोना 3C प्लस कार्बोलिक एसिड 200C अगर आप दें, 3 या 4 डोज देते हैं तो किसी भी टाइप का सरदर्द, ये आप क्लिनिकल टिप कह सकते हैं या इसे कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस से आया है बहुत अधिक और हमारे मास्टर्स ने ही यूज किया है, तो आप इसे यूज करके आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सरदर्द की प्रॉब्लम है तो प्योर से क्योर के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरफ जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का डोज दें और इन रेमेडी में से सिम्टोमेटिक यूज कर सकते हैं। अगर आपको भी सरदर्द की प्रॉब्लम है तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।